वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स। अपने गानों से युवाओं के दिलों में राज करने वाले सिंगर अरिजीत सिंह इन दिनों दुबई गए हुए हैं। दुबई में अरिजीत सिंह ने एक लाइव कॉन्सर्ट में हिस्सा भी लिया, लेकिन इस दौरान अरिजीत सिंह पाकिस्तान और पाकिस्तानी सिंगर्स पर कुछ ऐसा बोल गए जिसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल बीते शुक्रवार की रात अरिजीत सिंह दुबई में लाइव परफॉर्मेंस दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम का फेमस गाना पहली नजर में कैसा जादू कर दिया गाया। इसके तुरंत बाद अरिजीत सिंह कुछ ऐसा बोल गए जिस पर बवाल मच सकता है। आखिर क्या बोल गए अरिजीत? दरअसल आतिफ असलम का गाना गाने के बाद अरिजीत सिंह ने दर्शकों से कहा, एक सवाल है, गलत सवाल है, मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल, लेकिन मैं पूछूंगा क्योंकि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं न्यूज इतना फॉलो नहीं करता। मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान में गाना क्या बंद हो गया इंडिया में, या अभी भी बंद है, या शुरू हुआ है, मतलब बीच में ऐसा हुआ था अभी चल रहा है क्या? इसके बाद अरिजीत सिंह कुछ पाकिस्तानी सिंगर्स के नाम गिनाते हुए कहते हैं, आतिफ असलम, सफाकत अमानत अली मेरे पसंदीदा गायकों में से एक है। गौर करने वाली बात है कि अरिजीत सिंह जानते थे कि ये विवादित है, उसके बावजूद उन्होंने कहा मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता और उन्होंने पाकिस्तानी गायकों के लिए आवाज उठाई। जिस तरह से अरिजीत सिंह ने पूछा कि पाकिस्तान के गायक और गाने भारत में क्यों बैन हैं, उसके कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिस पर लोग अपनी अपनी राय साझा कर रहे हैं। इस वीडियो पर एक शख्स ने कमेंट करते हुए लिखा है कि देश विरोधी नहीं कहेंगे क्योंकि अरिजीत सिंह ने मात्र म्यूजिक को ध्यान में रखकर कलाकार की प्रतिभा के बारे में बात की है। यदि पाकिस्तान को ध्यान में रख दिया होता तो अब तक मैं भी शुरू हो जाता, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। क्यों बैन है पाकिस्तानी कलाकार? 14 जनवरी 2019 को पाकिस्तानी समर्थक आतंकियों ने पुलवामा में हमला कर दिया था, जिसमें 40 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन यानी AICWA ने पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में बैन कर दिया था। अब इसके बावजूद अरिजीत सिंह ने जिस तरह से पूछा है कि पाकिस्तानी गायक भारत में क्यों बैन है, इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स।